खबर उत्तराखंड के रानीखेत से है, जहां फायर सीजन आते ही विभाग जो है एक्टिव हो गया है। वनाग्नि को रोकने के लिए वन विभाग के द्वारा जो है गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें संयुक्त मजिस्ट्रेट जय किशन, ब्लॉक प्रमुख हीरा रावत, ग्राम प्रधानों और सरपंचों ने शिरकत की। स्याही देवी विकास मंच के संयोजक ने कहा कि फायर बचारों का इतनी मेहनत करने के बाद भी पैसा उन्हें नहीं मिलता, और ये बहुत ही ज्यादा जो है दुर्भाग्य का विषय है। साथ ही उन्होंने जंगलों में लगने वाली आग और उस आग को काबू करने के उपाय बताए। उन्होंने वनाग्नि के मुख्य कारणों के बारे में भी विस्तार पूर्वक जानकारी दी। लेकिन सवाल ये उठता है कि जागरूकता अभियान चलाने, पर्याप्त संसाधन होने और फायर वाचर रखने के बाद भी वनाग्नि पर काबू पाने में सरकार नाकाम क्यों हो, नाकामयाब जो है क्यों साबित होती है। रानीखेत से गोपाल सिंह बिष्ट की रिपोर्ट। कि वनाग्नि की घटनाओं को लेकर और प्रिवेंटिव मेजर्स क्या ले सकते हैं, कैसे रोकथाम करना है, और इन द फ्यूचर ये कोर्स ऑफ एक्शन जो भी हम ले रहे हैं इससे क्या परिणाम होंगे, इनके बारे में लोगों को अवगत कराया तो काफ़ी सफलता हमें लगता है कि इससे प्राप्त होगी और वनाग्नि घटनाओं को हम कंट्रोल कर पाएंगे। तो बहुत अच्छा प्रोग्राम था, इससे हमने काफ़ी चीज़ सीखी। ऐसे और प्रोग्राम हम एक क्लस्टर अप्रोच के साथ विभिन्न हमारे जो भी सेक्शन हैं उसमें हम आगे, और जंगलों को अगर आग से बचाना है तो पब्लिक का और सरकार का आपस में तालमेल होना बहुत जरूरी है। जैसा कि हमने शायद भी शीतला के क्षेत्र में किया है, जनता और वन विभाग के सहयोग से जंगल बचाए हैं। लेकिन केवल शायद भी शीतला के जंगल बचा के बात नहीं बनने वाली, जो पूरे उत्तराखंड के पूरे अल्मोड़ा के जंगल बचाने हैं। तो एक गोष्ठी का प्रयास था यहाँ पर, इसमें जो कुछ चीज़ें हैं उनको हमको और सुधारने की आवश्यकता है। बेसिकली जो हमारा विभाग है, विभाग के अंदर जो कार्यप्रणाली है उसमें फायर वॉचर्स को समय पर भुगतान हो जाए, और उनके जो पिछले सालों के गाड़ी के भुगतान है वो मिल जाएं,